लेटेस्ट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोलाईकला थाना क्षेत्र में विगत दिनों समूह संचालक से हुई लूट के तीनों बदमाशों को आज पोलाई पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए इन तीनों बदमाशों से पुलिस ने 40,000 बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार विगत दिनों समूह संचालक बैंक से 57,000 नकदी लेकर जा रहा था, तभी तीन नकाबपोष बदमाशों ने रास्ता रोककर समूह संचालक से 57,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। तभी से जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बनाकर इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। आज पोलाईकला पुलिस द्वारा तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार तीनों बदमाश कंझर डेरे के निवासी हैं, जो कई गंभीर घटनाओं कर चुके हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी अतर सिंह ने फोर्स भेज के उसको तत्काल राउंड अप किया, पकड़ा। पकड़ने पे पूछताछ की। पूछताछ करने पे इनने कबूल किया कि हम तीन लोगों ने मिलके धर्मेंद्र मीणा से 52,721 रुपए लूट लिए थे, और लूटा हुआ जो पैसा है उसके तीन आरोपी हुकुम सिंह, महिपाल और सैलेन, ये सभी कंजर समाज के हैं और देवड़ा के रहने वाले हैं, और इनसे 41,530 रुपये बरामद हो चुके हैं।